सोने अरजीत बच्चा जानो भाई पहलवाने ओडे दिन बच लिए अड़तालीस घंटे का टाइम दे दिया पहलवाने। अच्छा जीत खेड़ गया जीत टकरा गया जीत उस डैडी अपने नो बता दी ना क्यों है उड़े ठोक दो भाई। अच्छा क्या ध्यान रख लिए अड़तालीस घंटे से छोड़े तेरे दिन अड़तालीस घंटे का टाइम लिया जिस तक फेंकना है मिलना है नरेले में नाम ले लिया करना पड़ता छोड़ जाएंगे।
रिकॉर्डिंग में आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैम थी? डेढ़ महीना पहले गई थी वो, कब धमकी मैं उसके भाई ने दू हूँ। अगर मैंने घर का नाश करना होता, धमकी उसका भाई दोबारा है, उसकी बुआ का छोरा, और जो उसकी बुआ सिंह गुगाम में रवे है। एक मिनट, जो कि उसकी बुआ सिंह गुरव है, आप गए थे तो उसकी बुआ भी मिली होगी। बात सुनो, पहला मैं जवाब दे रहा हूँ, वो तो बाद में करियो ही वे, ये बेरा तो ये चल लगा ना उन्हें, जब यह रिकॉर्डिंग आई है ना, ये जवाब क्यों कर देंगे वे? मन ना अगर घर बिगाड़ना होता, मना बाड़ा का अगर उनकी बेइज्जती करनी होती, एक मिनट में थाने में देता। 7 तारीख नजारी थी, रिसीव ले रहा हूँ 12/9 की, 12 जून से महीने में गई थी, उस सभी महीने की रिसीव है, 5 दिन बाद ले ली। अगर मन उनकी बेइज्जती करनी होती ना, एक मिनट में सारे बंद होते, मेरे द्वारा प्रूफ है, बगैर प्रूफ के ना चल रहा, नो एलिगेशन लगाया जब जाया करे, जब प्रूफ हो। इन्होंने कह दी कि मेरे भाई ने मांड की गए, अरे उन्हें तालाती मजबूर कराऊं मैं, यो गलत कदम उठाने पे तो मजबूर कराऊं मैं, रोटी खाऊं, मेरे दो बार की जिंदगी खराब हो जाएगी गलत कदम उठाते, तब ना वह खराब ना करनी। अरे बेइज्जती तबे आंगली लगा के उनके घर के की बेइज्जती ईब करा रहे हैं वे, ईबी को बेइज्जती हुई थी, ये बेइज्जती तो ईब करा रहे, कैमरे पे भी आवे है, अरे कम से कम उबाड़ नकल करनी, हाँ फिर आ ना कैमरे पे, ये नकल करनी भी नहीं आती, फायदा क्या इसी झूठ बोलेगा? अरे मैं तो चाहूँ मैं सारा खानदान आऊ ना, अरे मैं कैमरे पे आने के लिए मना नहीं कर रहा उनको, फिर सारे भाइयों ने लेके जाओ, जाओ चलो, मैं चलूँ, मन ने कोई टेंशन ना है। ई बगला इंटरव्यू ना मेरा लोज ना, जब लेना, जब उनके घर वाले और प्रूफ लिया हुए, और जब सारी बात तक आ गए, फेस टू फेस जो करीब मैं बैठा हूँ ना, नू एक साइड में बैठा है, हरकतिया में शामी, थारे आग गए सवाल पूछूंगा, और थारे आग गए गलती अपने आप पे तुम भी बता दोगे गलती किसकी है, इसका बड़ा वो कुछ ना दू, प्रूफ दूंगा हर चीज का। अगर ये प्रूफ झूठे है ना तो वे लिया हो, थाने में 7 तारीख 9 MLC कटवाई थी ना, रिकॉर्ड तो होगा थाने का, वो लिया हुआ FIR लिया हुआ MLC की तय, अरे फिर और चौकी में कोई सी वाइप गेल पुलिस वाला नू बता देगा इस पर अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, पेट में लात मारना 8वें महीने में सीधा अरेस्ट के ऑर्डर है। MLC में लिख रखा है, जो वो 7 तारीख को उसने कटाई, वो उनके पास है, मेरे पास थोड़ी ना झूठी MLC थी डराने के लिए। आपको कॉपी तो मिली होगी? अरे जब FIR नहीं हुई तब कॉपी कितने देंगे वे? वे तो पैसे देकर डरावे थे मैंने, 20 जने आके थाने में, अरे मैं अकेला रह तंदर, उनका मोटिव होता है अड़क, मेरे माँ बाप का एलिगेशन लगावे, अरे इन्हें बंद करा दो, अरे मैं प्रेशर मांग गए मैं तलाक पर साइन कर दूंगा, उनका तो मकसद था यो ना, डेढ़ बिना पहला केस चल लेना रहा था, क्यों राजीनामा करे थे खाम खाई का, यो फसाने थी करे थे, अगे इसके माँ बाप दो रजा, पहली छोरी थी मेरा, मैं जब भी अलग रहा करता, जपा जब मेरे माँ बाप ने काट दिया था, मेरी दादी आई थी नारी था कट जपा, जब मेरे बाबा ने काट दिया था, जब ना छेड़ी वा, जब एक गली था दूसरी गली में रहा करते मारे घर के, मेरा भाई युवानु का हर हफ्ते माँ है, कॉल डिटेल कटवा ले जी, नौकरी करा उड़े जाके पूछ लो मालिक ते। जाके पूछ लो, पड़ोसी है, समाज है, और मैं ही बताऊंगा, मैं तो नाटू हूँ, मेरे माँ बाप तो पूछो, या जाके उन तो पूछो, या सबूत दो मेरे तय, और इस तो बड्डा के दो माँ, एक मिनट तू जा सुनो, सबूत बार बार सुनो, सबूत मैं दूंगा, वो नू कहना मेरे बाप ने पिटा है, उसकी माँ तेरे उसके बापा तेनू पूछ लिए, अक उसकी माँ जब झाड़ुआ गेला पिट्टी, जब उसकी मम्मी ना आके या ना कही अक तू बाड़का ना छोड़ का आ जा, जो मेरी बहू के आगे सरदर्दी उनने उसके तो जवाब लियो, या 17 तारीख ने कोर्ट में भी कही थी, अक मैं कहा जब तू झाड़ुआ गेला पिट्टी, जब ना तू इसने अपनी बाण ने लेके गई गरा, दोनों बाड़का ने छोड़ का सिंगू, जुगराज मेरी गेला उनने कर दिया, और यह हकीकत है, या मैंने बाहर तो ना बताई, उनने के घर में तो बताई है, मेरे घर की इतनी बात बेरा उनने, और उनके घर की 95% में सारी बात बेरा है, मैं घर नहीं उजाड़ना चाहता, न तो एक मिनट में घर उजड़ जाएगा, वेनू कहना नाबालिग था उसका, ताउनू के था नाबालिग था, ब्याह कर लिया, देख वो तो रहना पावा, उसकी जन्म पत्री पूछ लिए, अपने दिल्ली में क्यों आ करा है, 10वीं की संदन ऊपर है, दिल्ली की जन्म पत्री ऊपर है, क्या मरना करा है, जन्म पत्री ना सब कुछ हमें दो रहा है, सारा प्रूफ है जन्म पत्री के हिसाब से, ब्याह करा था ऊ ना करा था, किसी के दबाव में ना करता, उड़े जाकर पूछ लो, जो वह एलिगेशन लगा रहे हैं उनने के बात का जवाब दे रहा हूँ, ना घर उजाड़ना हो ना बेइज्जती करनी हो, एक मिनट में कर सकूं इब भी, पर मैं नहीं चाहता इब भी उनकी बेइज्जती करना, पर वे बेइज्जती अपने आप झूठ बोल कर रहे हैं, अरे जो सच्चाई है वो बोलो ना, मैं अपनी सच्चाई में एक्सेप्ट करने लग रहा, अरे मैंने कितनी एक डकैती मार दी, डकैती मेरे जाके थाने में काट लो, एक भी डकैती का केस हो,
एक भी हो, इतना बड़ा बदमाश हो गया मैं, प्रशासन तो ऊपर हो गया, प्रशासन मेरे पे कुछ कार्रवाई ना कर रहा। आपने बोला था एक केस चल रहा है, फिर एक केस है वो नशा मुक्ति का, वो मैंने बता दिया नशा मुक्ति में ही। बाप की वाइफ आपको बोल दे अगर उठा ले हो, ये उठा लावे हम उठा लावे, अरे आपके घर के केस करा दे, किडनेपिंग का तो केस हो गया, वो हमने को फिरौती मांग ली, हमको भाज गए, 11 तारीख ने उठाया था, 13 तारीख ने SI वाले ने मैं उठा लिया था, अगर हम किडनैप करते तो मैं अपना स्विच ऑफ फोन ना करता, मैं स्कूल में नौकरी पे क्यों जाता, इतनी आसानी तो मिल जाता उन्हें दो ही दिन बाद में। ये तो एलिगेशन लगाने के मेरे पे केस चल रहा है, कोई बात ना निपट जाएंगे सबने, मेरा क्या का केस है, जाकर कोर्ट में काट लो फाइल, नशा मुक्ति की फाइल लाग रही, दोनों मियां बीबी के साइन हो रहे उनके। ज्योति से वो बुलवाया गया है जो हकीकत है ही नहीं, मेरे को अभी भी विश्वास है ज्योति आएगी, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, पर मैं उसको ये समझाना चाह रहा हूँ, अब समझ ले जो तेरे से बुलवाया जा रहा है ना, तेरे घर वालों की बेइज्जती अब हो रही है, पहले बेइज्जती नहीं हुई थी, पर अब ये जो आंगली लगा रहे हैं ना उनको, बेइज्जती तो वे अब कर रहे हैं इसकी। लेकिन वो कह रही है मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रवीण के पास नहीं है। अरे मेरे पास नहीं आए, बच्चों को तो ले, बच्चों का खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बच्चों से क्या दिक्कत है उसको, मेरा खुद का जीवन से मन उतर गया, तुम बच्चों ने क्यों रुका। मरने वाला कहता नहीं, ठीक है मरने वाला कहता नहीं, ऐसे तो मैं भी कह दूले मर जाऊं, मर के दिखाओ चलो रेल दाग गवाह भी खड़ी हो और मैं भी खड़ा हूँ, देखो कौन सा मरा है, कैन तमरा रख रहे है, अरे उन्हें जिंदगी ना दिखती दो बालका की, उनका भाई क्राइम तो ईव उसने करवा दिया, मेरे हाथ तक करवाना की तो घर के वे सोच रहे हैं, ईव उसका भाई जिंदा, उसकी दादी ने 2021 में नरेला रहता बस स्टैंड के शामी बैंक वाली गली में अंदर, तीसरा मकान था ढीलू है, उन तय दो मकान छोड़ गए, बढ़िया सारा नरेला भी जाना है, उड़े रहा करता 2021 में रक्षाबंधन तय पहले लड़े दिन बात हुई थी इसकी, इसकी दादी था अग बेटी आज ये तू राखी बांध दिया रहा माग पाऊंगे तना खड़े, अग दादी कोई ना पाऊ बोली ना बेटी हम पाऊंगे, मैंने 10-12 हज़ार रुपये का सम्मान भी दवाया अपनी वाइफ थी, जब घर तक चाल लंड के नाम के हो गए, नू बोली इसकी दादी एक तेरा भाई नु कह गोली खाकर मर जाएगा, वो आज थी जिंदा है, आज वह चली गई बाड़का ने छोड़कर, आज ना मरा उसका भाई गोली खाकर, उसकी माँ आज ना मरी 4 साल पहले, उनका कुंडबा खुद नु कह दाक हम तो उस दिन भी राजी है और आज भी राजी है, उनका कुंडबा आज की भी एक हफ्ता पहले की भी वर्डिंग है उनके कुंडबे की, जो सगे ताऊ काका है ना उनके, उनके वर्ड बयान आज भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नाम ना लेता मैं उनके, जब कति भरी पंचायत में आओगे ना जब नाम लूंगा रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा उस तो पर कुछ ना, उन जब अपने कुंडबे का नहीं होया था वो किसकी मानेगा, खुद उसके पापा के मामा है शेखपुरा वाले उनकी नहीं मान रही उसकी माँ तो किसकी मानेगी, कुंडबा किससे की छोरी हो, कितनी है गलत हो कुंडबा खड़ा होया करे, कुंडबा लिया थी गलत गेला कौन खड़ा होगा, ठीक है मैंने सारे ऐब कर दिए, इन बालका ने क्या ऐब कर दिया, बालका